हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप बिल्कुल फाइन होंगे। और आपने इंग्लिश एरा जो हमारा इंग्लिश एरा जयपुर जो हमारा चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं करा है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और इसे जितना ज़्यादा आप फैला सके उतना ज़्यादा इसे आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो नीडी बच्चे हैं उन तक ये चीज़ पहुँच सके। और अगर वो यहाँ पर जयपुर में आकर मेरी ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले सकते तो वो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पूरे इंडिया में, वहाँ से बेस्ट टू बेस्ट उनको कंटेंट में दे सकूँ, बेस्ट तरीके से मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकें इन चीज़ों की। तो उसके लिए आप इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है? चलिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है नाउन। क्या नाम है इसका? नाउन, ठीक है? अच्छे से दिख रहा होगा आपको। चलिए, नाउन के बारे में मैं कुछ डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिए, मैं बिल्कुल आपको डिफरेंट तरीके से चीज़ बताने वाला हूँ कि नाउन का क्या यूज होता है, किस तरह से ये एग्जाम में पूछा जाता है। हम कंप्लीट नाउन डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपसे बिल्कुल। तो जैसे भाई आपसे यहाँ बात करूँ कि नाउन होता क्या है, वॉट इज अ नाउन, ठीक है? तो जनरली आप लोगों की डेफिनेशन यही निकल कर आएगी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो नाम हमारे को बोध कराता है वही क्या होता है? नाउन। दैट्स मीन इंग्लिश में अगर आप बोले तो नाउन इज ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। हिंदी में बोले तो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि का नाम जो बोध कराए वही क्या होता है? नाउन। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ इस ETC में क्या है, इस एट सेक्टरा में क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पूरा कंपटीशन इस एट सेक्टरा में छिपा हुआ है, ठीक है? अब बात यहाँ पर आती है कि अगर मैं नाउन की डेफिनेशन आपके सामने एक्सप्लेन करूँ, देखिए मैं आपको नाउन में वो चीज़ें नहीं बताने वाला बिल्कुल भी कि नाउन जो होता है वो उसके टाइप्स अगर मैं बात करूँ तो नाउन के टाइप्स में मैं आपको ये बताऊँगा, प्रॉपर नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में चीज़ें नहीं पूछी जाती, और आप यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो मेरे साथ नाउन को लेकर, तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में किस तरह से हम क्वेश्चन को कर सके वो मैं आपको यहां पर फंडा बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नाउन की नई डेफिनेशन बताता हूं, उसको समझिएगा अच्छे से, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे में अगर आपसे बात करूं, हर वो चीज जिसको हम देख सकते हैं चाहे खुली आंखों से या बंद आंखों से वो नाउन होता है आपके, ठीक है? अभी खुली आंखों से आपको क्या दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ खुली आंखों से, तो मैं क्या हूँ? एक पर्सन हूँ, तो मैं एक नाउन हूँ, ठीक है? अभी आप कहाँ बैठ के स्टडी कर रहे हो? अपने रूम में होंगे, ठीक है? मैं यहाँ स्टूडियो से लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो कंडीशन है ये क्या है? एक प्लेस है, दिख रही है आपको? तो ये भी क्या है? नाउन है। ये मेरे हाथ में क्या है? वाइट मार्कर है, ठीक है? आपके हाथ में पेन होगा, क्लियर? या जिस मीडिया से आप देख रहे हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, क्लियर? तो ये चीज़ें आपको दिख रही है, तो ये वस्तु है, तो ये क्या है? आपके नाउन है। अरे, ये बात समझ आपको अच्छे से। फिर मैं आपसे बात करूं कि हर वो चीज़ जिसको आप देख सकते हो चाहे खुली आंखों से, तो ये दिख रहा है, बंद आंखों से क्या देखते हो? अब आप बोलोगे, बोलो सर ये मत पूछो, ये नहीं बताएंगे हम बंद आंखों से क्या देखते हैं, ये हमारा पर्सनल मामला है। तो देखिए, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। बंद आंखों से हम क्या देखते हैं? ड्रीम। तो ड्रीम भी क्या होगा? आपके नाउन होगा। अरे, ये बात समझ में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन पे कि हर वो चीज जो आपको दिख नहीं रही लेकिन फील हो रही है वो भी क्या होता है? नाउन। जैसे मैं आपसे बात करूं, एयर दिखती है आपको? हवा, हवा दिखी नहीं लेकिन क्या होती है? फील। तो ये क्या है? नाउन है। नॉलेज, नॉलेज दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना, क्लियर? लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी से मिलते हो और मिलने के बाद अगर उसकी नॉलेज से आप अट्रैक्ट होते हो तो ये क्या हुआ है? आपको फील हुई है। तो ये भी क्या है? आपके नाउन है। अरे, ये बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? वेरी गुड, क्लियर। आगे देखते हैं अब हम, हर वो चीज जो आपको ना तो दिख रही हो ना फील हो रही हो, क्लियर? बताइए मुझे ऐसे कौन कौन से नाउन हो सकते हैं? बिल्कुल, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, आपको कोई भी अगर ऐसा नाउन है जो ना तो हमें दिख रहा है और ना ही हमें फील हो रहा है उसे भी नाउन कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे नाउन होते हैं इंग्लिश में जैसे एनिमा है, साइकी है, सोल है, कॉस्ट है। ये ऐसे नाउन है जो ना तो आपको दिखते हैं और ना ही आपको फील होते हैं, क्लियर? जैसे मैं बात करूं, इनका सबका अलग अलग मीन होता है। जैसे घोष्ट, भूत होता है, सोल, आत्मा होती है। कभी भूत दिखा आपको?
नहीं दिखा हो तो बताओ, ठीक है? वो अलग बात होती है कि हम हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, जैसे नहीं होता है क्या कोई इंसान है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एनिमा, साइकी, सोल, घोस्ट, इन चारों का मतलब अगर मैं मेरी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो इनका मतलब होता है जीव। क्या होता है इनका मतलब? जीव। क्लियर? जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था, बोले इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबके अंदर क्या है? जीव है। क्लियर? दिखा आपको आज तक कभी? नहीं। फील हुआ? नहीं। ऐसा होता है ना, कोई इंसान जब मरता है तो मरते समय हम हमारी बोलचाल की भाषा में, हिंदी में कहते हैं, बोले उसका तो जीव निकल गया। तो अब वो जो जीव निकला वो आपको दिखा क्या? नहीं दिखा ना। ठीक है, आपको फील हुआ? नहीं हुआ। तो वो ही चीज जो है वो नाउन की पोजीशन ले रहा है यहाँ पे। अरे ये बात समझ में? ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि सोल यानी होती आत्मा, घोष्ट यानी हम अपने हिसाब से कर लेते हैं भूत। कोई इंसान जब मरता है तो मरते ही हम उसके आगे लिख देते स्वर्गीय, ठीक है, उसकी आत्मा बन गई वो। क्लियर? थोड़े दिन बाद ही अगर वो इंसान, अगर आपको मान लीजिए ऐसे फीलिंग आ जाए, बोले मुझे उस कोने में दिखा या ऐसा हुआ कुछ, तो हम उसी इंसान को क्या कर देते? घोष्ट कर देते हैं। और अगर वही इंसान अगर थोड़े दिन बाद आपको आकर बोल दे, सपने में आ जाता है जैसे खूब लोगों के, क्लियर, बोले मैं तो घर के अंदर बैठूंगा, मुझे भगवान बनाओ, तो वो क्या बन चुका है? आपके साइकी हो चुका है, एनिमा हो चुके हैं। क्लियर? तो आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग है। बाकी चार ऐसे नाउन होते हैं जो ना तो दिखते और ना फील होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी हाइट कितनी है, बताइए, यस आप कमेंट में लिख सकते हो हाइट कितनी है। अभी सोच रहे हो बोले इतना सा लग रहा है ये तो यार। क्लियर? तो आपके जवाब सबके अलग अलग आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कहता है, बोले सर आप 5 फीट के हो, कोई कहता है 6 फीट के हो। क्लियर? कोई कहता है 5 फीट 8 इंच के हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे, दैट्स मीन हर वो चीज जिसको आपने अज्यूम किया है, जिसको क्या किया है? अज्यूम। वो भी क्या होता है? आपके नाउन होता है। अरे ये बात समझ में? ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं मेरा वेट कितना है तो सबके जवाब अलग अलग आएंगे। कोई कहेगा बोले 70 है, कोई कहेगा 75 है, कोई मजाक भी कर सकता बोले 35 किलो का ही लग रहा है तू। क्लियर? तो यहां पर बात आती है, तो आपने यहां पर क्या अज्यूम किया? मेरी हाइट आपने अज्यूम की, मेरा वेट आपने अज्यूम किया, तो यही क्या होता है? आपके नाउन होता है। समझ आ गई बात? तो यहां पर हाइट, वेट, ये वर्ड जो है, जिन भी ऐसे वर्ड्स को आप अज्यूम करते हो वो सारे के सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। क्लियर? तो ये मेरी डेफिनेशन ओवर हो चुकी है, तो यहां पर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, वापस से आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। और देखिए, कोई भी जब नाउन पूछे ना तो घिसीपिटी डेफिनेशन पे मत चले जाना कि नाउन जो होता है वो संज्ञा है और संज्ञा ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनको इंडिकेट करे। अलग डिफरेंस डेफिनेशन दीजिए और लोगों के सामने खुद को प्रूव करिए। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है रिवाइज करिए मेरे साथ, बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि हर वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, चाहे खुली आंखों से या बंद आंखों से, हर वो चीज जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है, हर वो चीज जो ना तो देखी जा सकती है और ना ही फील की जा सकती है। क्लियर? दैट कैन बी नीदर सीन नॉर फील, ओके, फेल्ट। क्लियर? इसी तरह से मैं कहूं कि हर वो चीज जिसको आप क्या कर सकते हो, दैट कैन बी अज्यूम, जिसको आप अज्यूम किया कर सकते हो, अज्यूम किया जा सकता है, वो सब क्या होता है? आपके नाउन होता है। अब इसी में मैं अगर आपसे बात करूं तो मेरे को नाउन के टाइप्स आपको नहीं पढ़ाने, मैं इसी में सारी चीजें लेकर आ चुका हूं आपके सामने। यहां पर आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ चुका है, मटेरियल नाउन आ चुका है, लिविंग आ चुका है, नॉन लिविंग आ चुका है, प्रॉपर नाउन आ चुका है, कॉमन नाउन आ चुका है, सारे नाउन जो है वो इसी के अंदर यहां पर आपके सामने आ चुके हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं बिल्कुल आपको नाउन की, ये बेसिक क्लास है, इसमें पूरा नाउन आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, क्या क्या पूछा जाता है, प्रैक्टिस करेंगे हम इसके साथ ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउन के टोटली 3 पार्ट्स में आपको समझाऊंगा, जिसमें सबसे पहला होगा नंबर, दूसरा होगा जेंडर, तीसरा होगा केस। इन तीनों को मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जो नंबर होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं वचन। क्या कहते हैं हिंदी में? वचन। क्लियर है? अब अपने लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है वचन जानना, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये कि जो नंबर होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है सिंगुलर एंड अनादर वन इज प्लूरल। सिंगुलर वो नंबर होता है जिसमें हम हमेशा एक की बात करते हैं, और प्लूरल होता है बहुवचन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, 2+ है more than 2, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों की बात या वस्तुओं की बात की जाती है। क्लियर? ऐसे ही मैं जेंडर की बात करूं तो जेंडर को हिंदी में कहा जाता है लिंग। क्या कहते हैं? लिंग।
और जेंडर हमारे पास टोटली चार टाइप के होते हैं, जैसे मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है और न्यूटर है। अरे ये बात समझ में क्लियर। चलिए अब जेंडर हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो भी जेंडर होता है वो प्रोनाउन से डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आपसे, मस्कुलाइन जो है, इसके लिए मैस्कुलाइन के लिए हमेशा प्रोनाउन क्या लगाया जाता है, ही, और इसे हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। क्या बोला जाता है? पुल्लिंग, ठीक है। फेमिनाइन जो होता है इसके लिए हिंदी में इसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और प्रोनाउन इसके लिए हमेशा क्या यूज होता है? सी। क्लियर। कॉमन जो जेंडर होता है, जैसे मैं आपसे बात करूं कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर जनरली होता है कि जैसे एक वर्ड लिया मैंने यहां पर टीचर, क्या लिया वर्ड? टीचर वर्ड लिया। अब टीचर इज अ कॉमन जेंडर, कैसे? कि टीचर के अंदर जस्ट सपोज करिए मैं भी हूं तो मैं भी एक टीचर कहलाऊंगा, और यहां अगर कोई मैडम पढ़ाती है तो वो भी क्या कहलाएगी? टीचर। मैंने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इज अ कॉमन जेंडर, क्यों? स्टूडेंट के अंदर अगर लड़के पढ़ रहे हैं तो वो मस्कुलाइन हो गए, लड़कियां भी पढ़ रही है तो फेमिनाइन हो गई। मतलब ऐसे वर्ड्स जो दोनों जेंडर को सेम डिनोट करे उनके लिए हम कॉमन जेंडर यूज करते हैं। जैसे सोल्जर है, अब सोल्जर एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर महिलाएं भी होती है और जिसमें पुरुष भी होता है, इस एक ही वर्ड के अंदर, तो ये कॉमन जेंडर हुआ। तो इसके लिए हम यहां पर ही भी लगा सकते हैं और हम सी भी लगा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि सोल्जर के लिए ही लगाओगे या सी। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर कभी भी सब्जेक्टिव पोजिशन पर अगर सोल्जर है और उसके पजेसिव केस की बात की जाए तो वहां पर अगर हिज या हर दोनों में से किसी का भी यूज हम कर लेते हैं तो वो वहां पर सही माना जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर जो होता है उसके लिए हमेशा यूज किया जाता है इट का। किसका यूज करते हैं? इट, बिकॉज एवरी नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं आपसे केस, ठीक है। देखिए केस क्या होता है, मैं इसको थोड़ा नीचे समझा देता हूं, यहां पर बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। देखिए केस क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। जैसे जस्ट सपोज करिए, आपने हिंदी में कभी वो पढ़ा होगा बचपन में, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबंध का के की। अभी जो संबंध होता है जिसके लिए हिंदी में वर्ड आते हैं आपके का के की, यही आपके केस होते हैं। क्या होते हैं? ये केस। और संबंध को हम इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं, और हमेशा इन तीन हिंदी के इन वर्ड्स का के की का जो यूज होता है वो दो नाउन के बीच संबंध दर्शाने के लिए होता है। आ रही है बात समझ? जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर मैं हिंदी में आपको कहता हूं राम का भाई, क्या कहा मैंने? राम का भाई। तो इस समय यहां पर राम और भाई के बीच में संबंध कौन दिखा रहा है? का। और राम एक नाउन है और भाई एक नाउन है, तो जब दो नाउन के बीच जो वर्ड रिलेशन दिखाता है वो का के की क्या कहलाते हैं? आपके केस। समझ आ गई बात? अब अगर मैं इसकी इंग्लिश करूं तो यहां पर ये होता है राम्स ब्रदर, या इसको आप कर सकते हो ब्रदर ऑफ राम, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर राम और ब्रदर एक एक नाउन है दोनों अलग अलग, और इस का को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर तो आया है एपोस्ट्रोफी एस और नीचे आया है ऑफ। समझ आ रही बात आपको अच्छे से? तो केस जो होता है वो यही होता है कि आपके अगर एपोस्ट्रोफी एस का आप यूज कर रहे हो या ऑफ का यूज कर रहे हो तो ये होते हैं आपके केस। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि नाउन में नंबर, जेंडर और केस क्या क्या होता है। क्लियर। तो नंबर बोल लिए मेरे साथ, रिवाइज करिएगा तभी आपको ये चीजें अच्छे से याद होगी। तो नंबर कितने टाइप के हुए? दो टाइप के। कौन कौन से? सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। जेंडर कितने टाइप के हुए? चार टाइप के। कौन कौन से बोलिए? मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूं मस्कुलाइन के लिए क्या लगता है? ही। फेमिनाइन के लिए सी। कॉमन के लिए ही और सी। न्यूट्रल के लिए इट। केस क्या होता है बोलिए जल्दी से। तो जब भी
दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए अगर का के की किसी का भी यूज कर लेते हैं तो वही क्या होता है, हमारे केस होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको रिप्रेजेंट कौन कौन करता है, अपोस्ट्रोफी एस और साथ ही ऑफ। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप तो यार, अच्छे से समझ आ रहा है आपको। क्लास अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम नाउन में जो सबसे पहला हमारा पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं नंबर। ठीक है, देखिए यहां पर मैं आपको कंपटीशन की तैयारी करवाने आया हूं, अलग अलग वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स की। ये टॉपिक आपके एसएससी में भी काम आ सकता है, बैंक में भी काम आ सकता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के, उनमें आप इसको यूज कर सकते हो, इस टॉपिक का रोल होता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूँ एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए, डिफेंस के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आरपीएससी वाले बच्चों के लिए हो सकता है, या कोई भी स्टेट जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। ठीक है, तो मैं आपको नंबर में कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूं, तो वो चीजें नहीं बताने वाला जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बात करें अगर मैं यहां पर आपको बचपन की वो चीजें क्लियर नहीं करूंगा वापस से, ठीक है, क्लास को बोरिंग नहीं बनाऊंगा कि वही टॉय का टॉयज हो जाता है, बॉय का बॉयज हो जाता है, सिटी का सिटीज हो जाता है। क्लियर, हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो शायद आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, या अगर पढ़ी भी होगी तो उसको मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा। ठीक है, ये सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर मैंने एक वर्ड लिया आपके सामने डाई। डाई जो वर्ड होता है इस वर्ड का प्लूरल क्या होगा बताइए, कमेंट में आप लिख सकते हैं डाई का जो भी प्लूरल अगर आपको लगता है तो बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट करके आप। चलिए, डाई का मतलब आप सोच रहे होंगे डाई यानी होता है मरना, क्या होता है डाई यानी मरना। ठीक है, तो देखिए डाई यानी जो मरना होता है वो वर्ब नहीं, वो वर्ब होती है, वो नाउन नहीं होता। हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, नाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि मैं आपको ऐसे वर्ड्स बता रहा हूं जो डबल प्लूरल होते हैं, जैसे डाई का डाइज होता है और डाई का क्या होता है, डाइस होता है। ठीक है, अब जो डाई वर्ड होता है इसका डाइज कब होगा ये अच्छे से समझिएगा। जैसे आपने सुना होगा कभी टाई डाई का कपड़ा, या कपड़ों पे डाई होती है, तो जब कभी कपड़ों पर डाई होती है, जैसे हमारे यहाँ पर जयपुर में सांगानेर और बगरू का प्रिंट जो है वो वर्ल्ड फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेशली कपड़ों पे डाई की जाती है, यहाँ का जो प्रिंट होता है वो मैकेनिज्म नहीं होता। यहाँ पर बकायदा जो मजदूर होते हैं उनके हाथों में स्टैम्प्स होते हैं लकड़ी के, जिन्हें वो कलर में भिगोकर उन पर ठप्पे लगाते हुए चलते हैं। ठीक है, इसलिए वो इतना फेमस है। तो इस तरह से जो ठप्पे होते हैं उन ठप्पों को या स्टैम्प्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डाई, और प्लूरल अगर है तो वो हो जाता है डाइज। क्लियर, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो डाइज मीन्स होता है स्टैम्प्स यूज फॉर प्रिंटिंग और कॉइनिंग। कॉइनिंग के लिए जैसे आपको पता होगा अच्छे से कि नोट जो छपते हैं वो हमेशा कहां बनते हैं, प्रेस में, और सिक्के जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, टकसाल में। टकसाल को इंग्लिश में हम कहते हैं मिंट, क्या कहा जाता है, मिंट। ठीक है, तो जो सिक्के जो बनते हैं उन पे भी क्या होती है, डाई होती है। ठीक है, तो इस तरह से डाई का प्लूरल एक तो हो गया डाइज, और एक होता है डाइस। डाइस आपको अच्छे से पता है, जैसे हिंदी में कहा जाता है पासा, क्या कहते हैं, पासा। ठीक है, अब जो आप जब लूडो खेलते हो तो आपके हाथ में जो पासा होता है वो पासा दिखने में एक होता है, तो आप उसे सिंगुलर नहीं समझिए, वो वर्ड कैसा है, प्लूरल है। क्यों? क्योंकि किसी भी पासे को जब आप चलाते हैं हम, ठीक है, उसे घुमाया जाता है, तो अब जो नंबर आया हमारे पास दो, नंबर कितना आया, टू, तो वो जो दो है वो दो की क्या आई है, डाई। अगर नंबर आता है छः तो छः की डाई आई है, नंबर आया चार तो चार की डाई आई है। ऐसे एक पासे में टोटल कितनी डाई होती है, छः डाई होती है, और वो जब छः मिल जाती है तो वर्ड क्या बनता है, डाइस। दैट्स वाई डाइस इज ए प्लूरल नाउन। ओके, तो डाइस मीन्स हो गया स्मॉल क्यूब यूजेज इन गेम। गेम खेलने में जो छोटी क्यूब यूज दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइस कहते हैं। अरे ये बात आपको समझ में अच्छे से, वेरी गुड। नंबर सेकेंड, एक वर्ड होता है आपके इंडेक्स। अब इंडेक्स का जो प्लूरल होता है, एक तो होता है इंडेक्सेज और एक होता है इंडाइसेज। क्लियर, अब ये जो इंडेक्सेज वर्ड होता है इसका तो मतलब होता है हमेशा टेबल कंटेंट्स, जो आपने सुना होगा सारणी सूचकांक वगैरह होता है,
और इंडाइसेज जो होता है, या आपको अच्छे से पता है कि एलजेब्रा में जो साइंस यूज लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडाइसेज, क्या कहा जाता है उसे, इंडाइसेज। इज दिस क्लियर? यस। नंबर थर्ड देखते हैं इसी तरह से, जैसे एक है ब्रदर, तो ब्रदर का एक तो होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रदरन। अब ब्रदर्स जो होता है उसका मीन होता है सन्स ऑफ दी सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के जो बेटे होते हैं उन्हें बोला जाता है ब्रदर्स। और ब्रदर का ब्रदरन भी होता है जिसका मीन्स होता है मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैं कहूं वी आर द ब्रदर्स ऑफ द सेम प्रोफेशन होगा, या वी आर द ब्रदरन ऑफ द सेम प्रोफेशन। अगर एक ही प्रोफेशन के अंदर आप कलिक्स है, आप उसके मेंबर्स है, तो वहां पर आपके ब्रदर्स नहीं होगा, वहां क्या होगा, ब्रदरन होगा। इज दिस क्लियर? नंबर फोर्थ इसी तरह से हम देखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी लिखा रहा हूं साथ ही साथ। नंबर फोर्थ, जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूं, एक ले लेते हैं हम क्लॉथ, जैसे क्लॉथ का प्लूरल होता है क्लॉथ्स और एक होता है क्लॉथ्स, मतलब एक में एस लगता है और एक में क्या लगता है, ई एस लगता है। ठीक है, जिसमें ई एस लगता है सिर्फ वो होता है हमेशा अनस्टिच्ड, मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा, और जिसमें ई एस लगता है वो होता है हमेशा स्टिच्ड, मतलब सिला हुआ कपड़ा। ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़े ना बनेगा, जैसे मान लीजिए आप कभी दुकान पर गए और कपड़े खरीदने जाओ और उसको बोलो, बोलो भाई साहब हमें वो कपड़ा दिखाओ जिसमें ई एस लगता है, मतलब सिला हुआ कपड़ा दिखाओ, ये नहीं बोला जाएगा। तो क्या होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं द टीम वर वियरिंग देयर क्लॉथ्स, ये क्वेश्चन आ गया, आप जस्ट सपोज करिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच, अगर आपने ये पढ़ा है नाउन, तो आपको पता रहेगा कि सर ने बताया था कि क्लॉथ्स जो होता है उसमें अगर सिंगल एस आ रहा है दैट्स मीन वो अनस्टिच्ड है, बिना सिला हुआ कपड़ा, और टीम जो पहनेगी वो क्या पहनेगी, यूनिफॉर्म पहनेगी। क्लियर, तो स्टिच्ड लाइक यूनिफॉर्म जो होगा आपके वो कैसा होगा, जिसमें ई एस लग रहा हो। ठीक है, तो अब ये गलत हो चुका है, तो जिस सेक्शन में ये आ जाए वही आपका आंसर होगा, तो यहाँ राइट हो जाएगा आपके क्लॉथ्स। आई थिंक आपको फर्स्ट कंडीशन समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपके इसमें यूज लिया गया है यहां पर। ओके, वेरी गुड, इसे उतार लीजिएगा आप। अब हम आगे देखते हैं नंबर सेकंड कंडीशन नाउन में, देखिएगा, जस्ट सपोज करिए, मैंने आपको यहां पर दिया फादर इन लॉ है। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसी तरह से एक वर्ड है कमांडर इन चीफ है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं इनके प्लूरल मुझे बताइए, तो इनका प्लूरल क्या होगा, क्या होगा इसका प्लूरल, कमेंट में लिख सकते हैं आप कमेंट करके। चलिए देखते हैं, देखिए ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं इन सबकी एक क्वालिटी नजर आ रही है आपको, इनमें क्या लग रहा है, किसी में इन है, इसमें ऑफ है, इसमें इन है, मतलब प्रीपोजिशन है, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन। तो ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है आपके, रूल यहां पर लिख रहा हूं अच्छे से देखना, ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन, क्या कहते हैं इसे, प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन। ठीक है, प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन की क्वालिटी यह होती है कि जो दो नाउन होते हैं उनके मिड में हमेशा क्या आता है, प्रीपोजिशन, भाई दो नाउन के मिड में क्या आएगा, आपके प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना है कि
प्रीपोजिशन से जस्ट पहले जो नाउन होता है उस नाउन का हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन उसे करेंगे, और प्रीपोजिशन से बाद में जो नाउन होता है उस नाउन में हमेशा केस का यूज लिया जाता है, मतलब आप उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि फादर इन लॉ जो है इसका प्लूरल क्या होगा, तो देखिए एक नाउन है फादर, एक है लॉ, बीच में प्रीपोजिशन है, कंडीशन चेक कर लीजिएगा। तो इनसे पहले क्या है? फादर, तो इसका मतलब आप फादर को क्या कर सकते हो? प्लूरल, तो आपके इसका प्लूरल हो जाएगा फादर्स इन लॉ। और यही आप कहना चाहो ससुर जी की मृत्यु, फादर इन लॉ मर गए, क्लियर, तो अब आपको केस लगाना है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा, प्रीपोजिशन के बाद लॉ आ रहा है, तो इसमें आप अपोस्ट्रोफी एस लगाकर डेथ कर सकते हो, तो ये हो गया फादर इन लॉज डेथ। इज दिस क्लियर? फिर बात आती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब आप खुद ही बता दीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑफ से पहले क्या आ रहा है? मेंबर, तो मेंबर्स में, मेंबर में एस लग गया, तो इसका हो गया मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और ऑफ के बाद क्या आ रहा है? पार्लियामेंट, और मैं कहता हूं कि सांसद का एक्सीडेंट, तो क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एक्सीडेंट। अरे ये बात समझ में? इसी तरह से मैं कहता हूं कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ, और यही मैं कहता हूं कमांडर इन चीफ का ऑर्डर, इसका प्लूरल, इसमें केस में किसका यूज करेंगे? इनके बाद है चीफ, तो इसमें हो जाएगा चीफ्स ऑर्डर। अरे ये बात समझ आपको? ठीक है, तो ये आपके इस तरह से प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन जो होता है उसका इस तरह से यूज चलता है, ये कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ये। ठीक है, तो आपको ये मैंने अच्छे से समझा दिया है कि किस तरह से प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, राइट डाउन इसको उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन में क्या समझ आया आपको? कि प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन में तो हमेशा क्या लगाया जाता है? एस, प्लूरल करते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन होता है उसमें हमेशा हम किसका यूज करते हैं? केस का। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ वर्ड लिखता हूं मैं, जैसे एयर है, सैंड है, वाटर है, इसी तरह से पीपल है, कलर है, आयरन है, वुड है, अल्फाबेट है। ठीक है, और भी वर्ड्स देता हूं मैं आपको थोड़े अच्छे लेवल के, प्रिमाइज है, कंपास है, इफेक्ट है, और वर्ड्स ले लेते हैं, गुड है, फोर्स है। देखिए अगर मैं बात करूं कि एयर का प्लूरल मैंने कर दिया एयर्स, क्या कर दिया मैंने? एयर्स, तो एयर यानी क्या होती है? हवा। अब अगर मान लीजिए जो इस क्लास को फर्स्ट टाइम या नाउन को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, या जिन्होंने पहले क्लास ली होगी उन्हें तो पता होगा एयर्स का क्या मीन होता है। अब एयर यानी अगर हवा है तो एयर्स यानी ये थोड़े ना होगा ज्यादा हवा। ठीक है, मतलब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं, और इनका जब प्लूरल बनाया जाता है तो इनकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इनका मीन जो है या इनका हिंदी मतलब है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे एयर यानी हवा होती है तो एयर से यानी होता है घमंड। ठीक है, ये सेंटेंस है ही इज इन एयर्स, तो इसका मतलब क्या है? वो घमंडी है। क्लियर, सैंड यानी मिट्टी होती है तो
तो सैंड्स यानी होता है रेगिस्तान, क्लियर। वाटर यानी पानी होता है, तो वाटर्स यानी होता है बॉडीज ऑफ वाटर लाइक समुद्र हो सकता है, महासागर हो सकता है। पीपल यानी लोग होता है, तो पीपल्स यानी होता है राष्ट्र, ठीक है। कलर यानी रंग होता है, तो कलर्स यानी होता है झंडा। जैसे आपने देखा होगा एक चैनल आता है कलर्स, उसकी स्पेलिंग में ओ आर एस होता है, अगर यू आर एस आ जाए तो वो कलर्स चैनल नहीं होकर वो कलर्स झंडा हो जाएगा। आयरन यानी लोहा होता है, तो आयरन से यानी होती है सलाखे, बेड़िया, खूटा, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे आप लिविंग क्रिएचर को बांध सको वो होती है आयरन। वुड यानी लकड़ी होती है, तो वुड्स यानी जंगल होता है, ठीक है। अल्फाबेट यानी वर्णमाला होती है, तो अल्फाबेट्स यानी होता है भाषाएं, लैंग्वेजेस को बोला जाता है। ये कुछ वर्ड है जैसे प्रिमाइज, प्रिमाइज यानी होता है प्रस्तावना, क्लियर। जब हम कभी भी कोई ऐसे लिखते हैं पहले उसकी प्रिमाइज सेट की जाती है, प्रस्तावना लिखी जाती है किसी के बारे में, इंट्रो देना। और प्रिमाइजेज जो है, प्रिमाइजेज का मतलब होगा बिल्डिंग्स, भवन जो होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो सरकारी भवन होती है, इमारतें होती है, उन्हें बोला जाता है आपके प्रिमाइजेज, क्लियर है ये। कंपास, तो देखिए कंपास जो होता है ये होती है बॉर्डर्स, दिशा सूचक यंत्र को कभी भी कंपास नहीं कहा जाता है, वो होता है कंपासेज। क्या होता है वो? कंपासेज, ठीक है। इफेक्ट यानी प्रभाव होता है, तो इफेक्ट्स यानी होता है सामान, क्लियर। इसी तरह से गुड यानी अच्छा होता है, तो गुड्स यानी आपको भी पता है क्या होता है? सामान। फोर्स यानी बल होता है, पुश करना, तो फोर्सेज यानी क्या हो जाएगा? सेनाएं, क्लियर। फोर्सेज यानी क्या होता है? सेनाएं, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, ठीक है। इसी तरह से मैं बात करूं वर्क, वर्क यानी होता है कार्य, तो वर्क्स यानी क्या हो जाएगी? रचनाएं, क्या हो जाएगी? वर्क्स यानी रचनाएं। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से, वेरी गुड। तो ये यहां पर इस तरह से कुछ वर्ड्स है, जैसे मैं रचनाएं की बात करूं तो द वर्क्स ऑफ तुलसीदास जी, तुलसीदास जी की रचना है, तो यहां वर्क नहीं होकर यहां क्या लगेगा? वर्क्स लगेगा। तो आई थिंक आपको ये मटेरियल नाउन समझ आ गया होगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसे वर्ड्स जिनको आप कभी भी प्लूरल बनाएंगे तो हमेशा उनका मीन चेंज हो जाता है, उनकी क्वांटिटी पे किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बोला जाता है मटेरियल नाउन। ओके, उतारिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तालिया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब कुछ होता है आपके फॉरेन नाउन। कैसे नाउन होते हैं? फॉरेन, देखिए फॉरेन नाउन जो होते हैं उनकी क्वालिटी ये है कि अगर आपको किसी भी वर्ड के एंड में यूएम दिख जाए या यूएस दिख जाए, दैट्स मीन वो वर्ड जो है वो फॉरेन नाउन कहलाएगा आपके। और जिनके एंड में यूएम या यूएस दिखता है उन्हें बोला जाता है ग्रीक, सॉरी, ठीक है। कभी आपको वर्ड के एंड में आई एस या ओ एन दिखता है तो वो भी कैसा वर्ड हो जाएगा? आपके फॉरेन नाउन कहलाएगा। समझ आ रही बात आपको अच्छे से? ठीक है, अब इनकी कंडीशंस क्या होती है, इनके किस तरह से इनका प्लूरल बनता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड देता हूं यहां पर, जैसे एजेंडा में, डेटम है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं स्टेडियम है, पेट्रोलियम है, म्यूजियम है,
ठीक है, एक वर्ड और ले लेते हैं हम, जैसे मीडियम है। ठीक है, अब इन सबके एंड में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, सबके एंड में क्या आ रहा है, यूएम। दैट्स मीन ये जितने भी वर्ड है, ये जितने भी नाउन है, ये कौन सा नाउन है, आपके फॉरेन नाउन है। अब इनको प्लूरल बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो होता है कि आप यूएम हटाकर वर्ड के एंड में ए लगा दीजिए, तो जैसे एजेंडम का प्लूरल हो जाएगा एजेंडा, डेटम में यूएम हटाकर अगर आप ए लगाते हो तो डेटम का प्लूरल हो जाएगा डेटा। क्या हो जाएगा, डेटम का प्लूरल डेटा। समझ आ रही है बात। कुछ होता है जब यूएम हटाकर ए नहीं लगाया जाता और यूएम रहेगा और हम एस लगा देते हैं, तो स्टेडियम का हो जाएगा स्टेडियम्स। इसी तरह से पेट्रोलियम का हो जाएगा पेट्रोलियम्स। इसी तरह से म्यूजियम का हो जाएगा म्यूजियम्स। समझ आ रही है बात आपको। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनमें दोनों तरीके से आप प्लूरल बना सकते हो, अगर आपने यूएम हटाकर ए लगाया तो इसका हो गया मीडिया। ठीक है, अगर यूएम रहेगा तो आप एस लगा देते हैं तो इसका हो जाएगा मीडियम्स। समझ आ रही है बात आपको अच्छे से। ठीक है, अब मीडिया जो होता है वो तो किसके तौर पर वर्क करता है, एजेंसी के तौर पर, और मीडियम्स जो होता है वो किसकी बात करता है, आपके बॉस की बात करता है। क्लियर। जैसे मान लीजिए आप कहीं एडमिशन लेने जाओ तो वहां पर अगर आपको बोलते हैं, बोले वी प्रोवाइड बोथ मीडियम्स हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो जब बोथ की बात आती है तब मीडिया नहीं लगाया जाता, तब हमेशा क्या लगाया जाता है, मीडियम के प्लूरल पे मीडियम्स का यूज किया जाता है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके यूएम रिलेटेड जो फॉरेन नाउन है वो कंप्लीट होता है। क्लियर है, अब इसे मैं मिटा देता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे यूएस से रिलेटेड। देखिएगा, तीनों एक साथ लेता हूं, यूएस, आईएस और ओएन। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यूएस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, सिलेबस है, जीनियस है, रेडियस है। ठीक है, अब ये तीन वर्ड जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन तीनों वर्ड में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है, सबके एंड में क्या है, यूएस। और अगर इनके एंड में यूएस है, दैट्स मीन ये फॉरेन नाउन है और साथ ही साथ सिंगुलर होगा, ये फिक्स है। ठीक है, और जब इन्हें हम प्लूरल बनाएंगे तो यूएस हटाकर क्या लगाया जाता है, आई। तो सिलेबस का प्लूरल हो जाएगा स्लैबी। क्या हो गया, सिलेबस का प्लूरल स्लैबी। इसी तरह से जीनियस में जब आप यू एन हटाकर आई लगाएंगे तो जीनियस का प्लूरल हो गया जिनाए। क्या हो गया, जिनाए। ठीक है, ऐसे ही रेडियस में जब आप यूएस हटाकर आई लगाएंगे तो रेडियस का प्लूरल हो गया रडाए। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो दूसरा फंडा आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर एग्जाम में आपको कोई नाउन पे ऐसी पोजीशन दिख रही है जिनके एंड में आई आ रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने कभी सुना होगा एल्यूमिनाई, एल्यूमिनाई मीट होती है। ठीक है, अब एल्यूमिनाई जो वर्ड होता है इसके एंड में क्या आ रहा है, आपके आई। तो मैंने बताया कि जिस वर्ड के एंड में आई आएगा वो वर्ड अपने आप में कैसा हो जाता है, प्लूरल। तो अगर एल्यूमिनाई का आप सिंगुलर करोगे तो आई हटाकर आप क्या लगा सकते हो, यूएस। तो एल्यूमिनस क्या हो जाता है, आपके सिंगुलर हो गया। क्लियर है ये। अब आते हैं, बात आती है आईएस। तो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ वर्ड दिया आपको, एनालिसिस, बेसिस, थिसिस। अब ये जितने भी वर्ड है इन सबके एंड में क्या आ रहा है, आपके आई एस। क्या आ रहा है इनके एंड में, आई एस। समझ आ रही है बात। अब अगर मैं इनको प्लूरल करूंगा तो आई एस हटाकर ई एस लगाया जाता है, तो जैसे एनालिसिस का प्लूरल हो जाएगा एनालिसिस। क्या हो जाएगा, एनालिसिस। ऐसे ही बेसिस का प्लूरल हो जाएगा बेसेज। क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, बेसेज, क्योंकि आई एस हटाकर मैंने क्या लगा दिया, ई एस। ऐसे ही थीसिस का प्लूरल हो जाएगा थीसिस। क्लियर है। अब बात आती है ओ एन रिलेटेड। तो जैसे मान लीजिए एक वर्ड है फिनोमेनन, ऐसे ही एक वर्ड है क्राइटेरियन। अब इनके एंड में क्या आ रहा है, ओ एन। क्या आ रहा है इनके एंड में, ओ एन। तो
ओएन आने का मतलब है ये फॉरेन जब नाउन है और सिंगुलर है, तो जब हम इन्हें प्लूरल करते हैं तो ओएन हटाकर ए लगा दिया जाता है, तो फिनामेनन का प्लूरल हो जाएगा फिनामेना। ठीक है, ऐसे ही क्राइटेरियन में ओएन हटाकर जब हम ए लगा देंगे तो क्राइटेरियन का प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया। क्या हो गया इसका प्लूरल? क्राइटेरिया। तो आई थिंक आपको फॉरेन जो नाउन है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फॉरेन नाउन जो होता है उसकी पहचान कैसे होती है कि यूएम, यूएस, आईएस या ओएन अगर वर्ड के एंड में आ रहा है तो वो कैसा नाउन हो गया? फॉरेन और साथ ही साथ सिंगुलर हो गया। यूएम का मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में यूएम है उसको प्लूरल दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो यूएम हटाकर ए लगा दीजिए या यूएम रहेगा और एस लगेगा। यूएस का प्लूरल मैंने आपको बताया कि यूएस हटाकर क्या लगाया जाता है? आई लगाया जाता है। आईएस का मैंने आपको बताया कि आईएस हटाकर हम क्या लगाते हैं? ईएस। ठीक है, और ओएन का मैंने आपको बताया कि ओएन हटाकर क्या लगाया जाता है? ए। क्लियर? तो ये आपके कुछ फॉरेन जो है इस तरह से नाउन जिनका आपका ये कंप्लीट होता है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? अच्छे से समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये आपके नाउन में नंबर पोर्शन जो है और स्पेशली जो कंपटीशन में जो नंबर्स पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से नंबर की कंडीशंस होती है, क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? जेंडर। ठीक है, देखिए जेंडर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चार जेंडर मैंने आपको बताए थे, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। क्या कंडीशंस होती है वो एक बार छोटा सा देख लेते हैं हम, जेंडर से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा, सॉरी, एक होता है ई एस और एक होता है ई डबल एस। ठीक है, अब आपको सिंपल सा एक फंडा याद रखना है कि अगर कभी भी किसी नाउन के एंड में ई एस आता है तो वो नाउन हमेशा कैसा हो जाता है? प्लूरल। और अगर किसी नाउन के एंड में ई डबल एस आता है तो वो नाउन हमेशा फेमिनाइन हो जाता है, और उसके लिए प्रोनाउन क्या लगाया जाता है? सी। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्टर का क्या होता है? एक्ट्रेस। गॉड का क्या होता है? गॉडेस। पोइट का क्या होता है? पोइटिस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा नेग्रेस। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में इसका हिंदी मीन नहीं पूछेंगे, बस इतना सा पता होना चाहिए इसके लिए अगर कहीं पे डिनोटिंग वर्ड आ रहा है प्रोनाउन के तौर पर तो वो क्या आना चाहिए? सी। कैसे पता करोगे कि वर्ड के एंड में क्या है? ई डबल एस। तो इससे आपको ये पता लग गया कि इसके लिए पूरे क्वेश्चन में अगर कहीं आएगा तो प्रोनाउन क्या लगेगा? इसके लिए सी लगेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे इसका मस्कुलाइन होता है नेग्रो। क्या होता है इसका मस्कुलाइन? नेग्रो। इज दिस क्लियर? तो ये आपको समझ आ गया होगा ई एस और ई डबल एस का फंडा। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम जेंडर की सेकंड कंडीशन। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर डॉग लिखा, डॉग का फेमिनाइन होता है बिच। ठीक है, कॉक का होता है हैन, पिकॉक का होता है पी हैन। मान लीजिए मैंने आपसे गधे का पूछा एस, इसका क्या होगा? गधी। तो देखिए समझना इसको अच्छे से, यहां डॉग है बिच है। जनरली ये होता है कि आप, मैंने भी बहुत सी बार सुना है स्टूडेंट से, या आपने भी कभी ना कभी अपने कलिक्स से या किसी से सुना होगा, अपने साथ पढ़ने वालों से आपने सुना होगा कि जनरली हम जानवरों के लिए क्या लगाते हैं? अगर जेंडर पता है तो ही और सी लगा दो, और जेंडर नहीं पता तो इट लगा दो। अब जैसा यार डॉग है, डॉग का आपको जेंडर पता है मस्कुलाइन है, बिच का पता है फेमिनाइन जेंडर है, तो अब इसके अंदर हम क्या यूज लेंगे इसको आप अच्छे से समझिएगा कि जब कभी भी कोई जानवर जब सिंगल वर्ड के तौर पर आ रहा है, कैसा वर्ड? सिंगल, तो चाहे वो मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हम उसके लिए हमेशा क्या लगाएंगे? इट। और अगर कोई जानवर है जैसे कोक है सिंगल वर्ड है, हैन है सिंगल वर्ड है, तो इसके लिए इट लगेगा। लेकिन कोई जानवर जब कंपाउंड बन जाता है तो कंपाउंड बनने पर हम उसके साथ ही और सी, मतलब ऐसे नाम जानवर के जिनमें दो वर्ड आते हैं, जैसे पिकॉक है जानवर एक है मोर, लेकिन इसमें वर्ड कितने आए? दो, एक पी आया और एक कोक आया। तो ऐसे जब कंपाउंड बन जाता है, जुड़ के बनता है, तो हम उसके लिए ही लगाते हैं सी। जैसे अगर मैं बात करूं एस, तो इसके लिए क्या लगेगा? इट लगेगा। लेकिन अगर मैंने इसको कंपाउंड बनाकर मैंने यहां कर दिया जैकेस और इसका फेमिनाइन मैंने कर दिया जेनियस, ठीक है,
तो अब यहां जेकेएस के लिए क्या लग जाएगा, इट ही, और जेनीएस के लिए क्या लग जाएगा, सी। समझ आ गई बात। तो जेंडर से निकलने वाले कंपटीशन लेवल पर ये दो ही क्वेश्चंस होते जो मैंने आपको करा दिया है, इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कि फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या था कि अगर वर्ड के एंड में ई डबल एस आ जाए तो वो वर्ड हमेशा फेमिनाइन होता है और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वेरी गुड, बोलिए किसका यूज करेंगे, सी का, ठीक है। सेकंड बताया मैंने आपको जानवरों के बारे में, तो जानवरों के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि अगर कभी भी कोई जानवर सिंगल वर्ड के तौर पर आ रहा है तो उसके लिए इट लगाएंगे, और अगर वो कंपाउंड बन रहा है दो वर्ड मिलकर या तीन वर्ड मिलकर अगर वो एक वर्ड बन जाता है तो फिर हम उसके लिए ही और सी का यूज करेंगे। क्लियर है, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, जल्दी से इसे रिवाइज कर लीजिए, आगे देखते हैं। तो नाउन में नंबर और जेंडर दो खत्म हो चुके हैं हमारे। थर्ड हम देखते हैं इसमें केस। केस के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि केस जो होता है वो अपोस्ट्रोफी एस होता है या ऑफ होता है। समझ आ रही बात आपको अच्छे से कि अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ जो होता है वही क्या होते हैं, आपके केस होते हैं। क्लियर है। अब जैसे मैं क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा राम्स ब्रदर, ठीक है, इसी तरह से मैं आपके सामने लिखता हूं ए टेबल्स लेग, इसी तरह से लिखता हूं ए काउज टेल, ठीक है। राम का भाई टेबल की लेग, लेग मतलब जो टेबल का पाया होता है, जो उसकी लेग्स होती है, ठीक है, गाय की पूंछ, गाय की जो टेल होती है। क्लियर। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं तो सीधा सा एक फंडा है आपके, मैं आपको यहां पर रूल लिखकर बता देता हूं बकायदा, कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है, ठीक है, इसका यूज हमेशा लिविंग, जिसको हम कहते हैं सजीव, उसी के साथ सही माना जाता है। अगर अपोस्ट्रोफी एस कभी भी नॉन लिविंग के साथ लग रहा है, किसी भी निर्जीव के साथ लग रहा है, तो सेंटेंस क्या माना जाता है, हमेशा गलत माना जाएगा। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से, वेरी गुड। तो अगर मैं यहां बात करूं राम्स ब्रदर, राम का भाई, तो इस कंडीशन में राम यहां पर लिविंग है, सजीव है, तो ये सही हो जाएगा। मैं कहता हूं ए टेबल्स लेग, टेबल निर्जीव है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। एक काउस टेल गाय की पूछ, तो गाय सजीव है, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस क्या माना जाएगा, सही। अब जहां ये गलत हो जाता है, जैसे टेबल्स लेग आपके गलत हो चुका है, तो इसको जब हम सही करेंगे तो इसका राइट होगा द लेग ऑफ ए टेबल, ठीक है, मतलब टेबल की लेग हो चुकी है यहां पर। क्लियर। कि जब अपोस्ट्रोफी एस निर्जीव के साथ गलत है तो हम बाद वाली चीज को उठाकर पहले रख देते हैं, और पहले वाली चीज को उठाकर बाद रख देते हैं, और दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, ऑफ लगा देते हैं। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, अच्छे से समझ आ गया आपको ये, वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम सेकंड कंडीशन। जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे एक सेंटेंस है द ट्रेंस बर्थ इज वेरी डर्टी, ठीक है, इसी तरह से मैं बात करूं द ट्रेंस अराइवल टाइम इज नाइन एम, क्लियर। अब दोनों सेंटेंस में ट्रेन के साथ क्या लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस, समझ आ रही है बात आपको, क्लियर। तो इसका मतलब ट्रेन लिविंग है या नॉन लिविंग है, ऑब्वियसली सी बात है कि ट्रेन क्या हो चुका है यहां पर, नॉन लिविंग है, तो दोनों ही सेंटेंस में गलत होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको केस में नॉन लिविंग कंडीशंस बता रहा हूं कि ऐसी कौन कौन सी नॉन लिविंग कंडीशंस होगी जिसमें आपके अपोस्ट्रोफी एस जो है उसे राइट माना जाएगा, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि तीन व्हीकल होते हैं, एक होता है ट्रेन, एक होता है एरोप्लेन और एक होता है शिप, ठीक है। अगर इन तीनों व्हीकल के साथ आपको कभी भी दो वर्ड दिख जाए, या तो अराइवल
या डिपार्चर। ठीक है, तो अराइवल और डिपार्चर दिखने पर इन तीनों वर्ड्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस सही माना जाएगा, और अगर अराइवल या डिपार्चर के अलावा कोई और वर्ड दिख रहा है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ ट्रेन की किसकी बात हो रही है, बर्थ की, यहाँ ट्रेन के अराइवल की बात हो रही है, तो नॉन लिविंग होते हुए भी जब इसके साथ अराइवल आ रहा है तो सेंटेंस सही माना जाएगा, और बर्थ वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को राइट करना चाहूँ तो फर्स्ट वाला राइट क्या होगा, वही चीज़ कि अगर एपोस्ट्रोफी एस है तो बाद वाली चीज पहले ले जाओ, पहले वाली चीज बाद ले आओ, तो क्या राइट होगा यहाँ पर, द बर्थ ऑफ द ट्रेन, क्या राइट हो जाएगा, द बर्थ ऑफ द ट्रेन इज वेरी डर्टी। बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर, कमेंट कर सकते हो आप। ओके वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। नॉन लिविंग के अंदर और क्या क्या कंडीशन होती है वो सारी चीज यहां पर देखते हैं। देखिए, एक आपके नॉन लिविंग में होता है निर्जीव के अंदर पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये जो पर्सोनिफिकेशन होता है इसे हिंदी में कहा जाता है मानवीयकरण। क्या बोला जाता है, मानवीयकरण। जब कभी भी मानवीयकरण होता है तो ऐसी कंडीशन में नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा जयपुर्स ब्यूटी। अब मानवीयकरण क्या होता है, अच्छे से सुनना मेरी बात को, जब किसी भी, जैसे जयपुर लिविंग है या नॉन लिविंग है, ऑब्वियसली सी बात है नॉन लिविंग है, जब किसी भी लिविंग की क्वालिटी को, किसी भी सजीव की क्वालिटी को अगर आप किसी निर्जीव से कंपेयर कर रहे हो तो वो आपने उसको पर्सोनिफाइड कर दिया, और ऐसी कंडीशन में उस निर्जीव के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस को क्या मानेंगे, सही मानेंगे। क्लियर, जैसे ब्यूटी वर्ड जो होता है ये जनरली सजीव के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो सजीव की जो विशेषता थी उसको मैंने किससे कंपेयर किया, जयपुर से, इसको पर्सोनिफाइड किया, और ये यहां पर क्या हो गया है, सही हो गया है। जैसे मैं और बात करूं एक एग्जांपल के साथ, द मून्स आईज, चांद सी आंखें, चांद जैसी आंखें या चांद की आंखें। क्लियर, अब आईज किसकी क्वालिटी है, सजीव की या निर्जीव की, सजीव की, कंपेयर किससे किया, नॉन लिविंग से, तो मून यहां पर पर्सोनिफाइड हो गया, और ऐसी कंडीशन में क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। आ रही है बात समझ आपको अच्छे से, वेरी गुड, क्लियर। तो ये सेकंड कंडीशन जो नॉन लिविंग में है वो पर्सोनिफाइड कंडीशन है, कि अगर आप पर्सोनिफिकेशन करें तो वो सही माना जाएगा, अदरवाइज चीजें क्या हो जाती है, गलत। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नॉन लिविंग में और क्या कंडीशन होती है। तो नॉन लिविंग में एक कंडीशन और होती है हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज को हम हिंदी में कहते हैं आकाशीय पिंड। क्या कहा जाता है, आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड का क्या होता है कि जितनी भी हेवनली बॉडीज होती है वो सारी की सारी नॉन लिविंग होती है। क्या होती है, हेवनली बॉडीज, नॉन लिविंग होती है, लेकिन हेवनली बॉडी होने के कारण हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस को क्या मानते हैं, सही करेंगे। क्लियर, जैसे मान लीजिए, जस्ट सपोज करिए, मैंने आपको कहा द सन्स रेज, सूर्य की किरणें। क्या कहा मैंने आपको, सूर्य की किरणें। अब ये जो सूर्य की किरणें है तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन तो हो नहीं रहा, लेकिन सन एक हेवनली बॉडी है, आकाशीय पिंड है, जिसमें जितने भी प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, ठीक है, जो हेवन से रिलेट करती हुई जितनी भी वस्तुएं होती है वो सब हेवनली बॉडीज में आती है, नॉन लिविंग होती है, लेकिन हेवनली बॉडी आकाशीय पिंड होने के कारण उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस क्या माना जाता है, सही माना जाएगा। अरे ये बात आपको अच्छे से समझ में, वेरी गुड। ऐसे ही मैं कहता हूं द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, इस दुनिया की समस्या। ठीक है, अब दुनिया की समस्या जो है, अब वर्ल्ड क्या है, यहां पर हेवनली बॉडी है, जैसे वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, ये सब क्या कहलाते हैं, हेवनली बॉडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये हेवनली बॉडी। तो हेवनली बॉडी होने के कारण ये क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको आई थिंक हेवनली बॉडी समझ आ गया होगा। तो इस तरह से ये टोटली आपके नॉन लिविंग में तीन कंडीशंस होती है। ठीक है, स्पेशली एग्जाम में आने वाली, तो इन तीनों को आप अच्छे से समझ चुके हैं।
और देखिएगा क्वेश्चंस के अंदर इनको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब केस के और ग्रामर की क्या क्या कंडीशंस निकल कर आती है केस में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यस, जैसे कुछ सेंटेंस है यहां पर मैंने लिखा राम्स एंड श्याम्स कार, मैंने लिखा यहां पर राम एंड श्याम्स कार, ऐसे ही मैंने लिखा यहां राम्स एंड श्याम कार। अब इन तीनों में से कौन सा सही है अच्छे से देखिएगा, तो मैं आपको डिस्कस करता हूं इससे। आप जैसे अगर कभी भी आपको दो नाउन दिख रहे हो और उन दो नाउन के बीच आपको एंड नजर आ रहा है और दोनों ही नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस है, क्या है दोनों ही नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर दो नाउन है जिनके बीच एंड है और सिर्फ बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है तो भी सेंटेंस क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। लेकिन अगर दो नाउन है जिनके बीच एंड है और सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत। जैसे यहां मैं बात करूं दो नाउन है राम और श्याम, दोनों के बीच क्या है एंड, और दोनों ही नाउन के साथ क्या लग रहा है अपोस्ट्रोफी एस, तो ये बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही, ठीक है। अगर यहां भी दो नाउन है सिर्फ बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस है तो ये भी क्या माना जाएगा, सही। यहां दो नाउन है और सिर्फ पहले वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस है तो सेंटेंस क्या हो चुका है, गलत, क्लियर। अब मैं अगर आपसे बात करूं यहां कितनी कार की बात हो रही है, तो यहां पर दो कारों की बात हो रही है, जो एक राम की है और एक किसकी है, श्याम की है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब चीजें दो हो जाती है दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगने पर, तो दो होने पर वर्ब हमेशा कैसी लगती है, प्लूरल। यहां कितनी कारों की बात हो रही है, एक, जो किस किस की है, राम और श्याम दोनों की मिलाकर एक कार है क्योंकि बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस है, तो ऐसी कंडीशन में आपके वर्ब हमेशा कैसी लगेगी, सिंगुलर। समझ आ रही है बात, तो एक क्वेश्चन तो आपका इसका वर्ब से रिलेटेड और अपोस्ट्रोफी की पोजिशंस के अकॉर्डिंग बनता है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे मैं कहता हूं व्हेन आई वेंट राम्स एंड सीताज हाउस एंड आई फाउंड The couple missing, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है भाई, when I went या when I visited राम एंड सीताज हाउस एंड आई फाउंड द कपल मिसिंग। अब इस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यहां पर लिखा हुआ है आई फाउंड द कपल, क्या लिखा हुआ है, आई फाउंड द कपल। अब मुझे ये बताइए कि यहां राम और सीता दोनों में apostrophe s लगा हुआ है तो मकान एक होगा या दो होंगे, जब दोनों में लगा हुआ है तो इसका मतलब मकान कितने हो गए, दो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए वो कपल या इंडिकेशन दे रहा है कि कपल एक मकान में रहेगा या दोनों में, तो ऑब्वियसली सी बात है कपल एक मकान में रहेगा, तो यह सेंटेंस यहां पर गलत हो चुका है, तो यहां हमें राम में से अपोस्ट्रोफी एस हटाना होगा। तो क्वेश्चन की अप्रोच ये रहनी चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को समझ सके। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, तो आई थिंक आपको यह समझ आ गया होगा, उतार लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं हम, रिवाइज कर लेते हैं कि दो नाउन के बीच अगर एंड है और दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस है तो सेंटेंस क्या होगा, सही। वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। अगर सिर्फ बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस है तो भी सेंटेंस सही होगा, वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। और अगर सिर्फ पहले वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस है और बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं है तो सेंटेंस कैसा माना जाएगा, एकदम गलत होगा सेंटेंस। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, तो केस में सेकेंड कंडीशन ये ओवर होती है। फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, जैसे एक सेंटेंस है माई मदर्स ब्रदर्स सन हैज कम, ठीक है, और एक और सेंटेंस है
इंडियाज प्रॉब्लम इज एज बिग एज पाकिस्तान्स। ठीक है, दोनों सेंटेंस में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ऊपर वाले सेंटेंस में भी अपोस्ट्रोफी दो बार लगा है और नीचे वाले सेंटेंस में भी अपोस्ट्रोफी का यूज कितनी बार हुआ है, दो बार हुआ है। तो आपको सीधा सा एक फंडा मैं बताता हूं कि आप कभी भी एक चीज देख लीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में डबल अपोस्ट्रोफी, ठीक है, कि सेंटेंस में कितने अपोस्ट्रोफे, डबल अपोस्ट्रोफे का यूज आप कभी भी एक साथ नहीं कर सकते हो, लेकिन डबल एपोस्ट्रोफी अगर सेंटेंस में आ रहा है तो आप उनका यूज अलग अलग जगहों पर कर सकते हो। समझ आ रही बात आपको अच्छे से? जैसे मैं यह बात करूं कि माई मदर्स ब्रदर्स सन हैज कम, मेरे मम्मी के भाई का बेटा आ गया, दैट्स मीन मेरा कजिन जो है मामा का लड़का है वो आ चुका है। तो इस कंडीशन में यहां पर दोनों जगह एक साथ अपोस्ट्रोफी एस आया है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम पाकिस्तान की जितनी ही बड़ी है, यहां पर अलग अलग आ रहा है तो सेंटेंस क्या होगा, सही। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं फर्स्ट सेंटेंस को राइट करूंगा तो सेंटेंस राइट होगा द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर हैज कम। तो एक में तो एपोस्ट्रोफी एस रह गया और दूसरे में मैंने यहां पर ऑफ लगा दिया, दोनों जगह केस लग चुका है और अब ये सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से मैंने इसका यूज किया है। चलिए उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली कंडीशन हम चेक करेंगे यहां, ठीक है। तो डबल एपोस्ट्रोफी कभी भी अगर एक साथ दिख रहा है तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, रॉन्ग। और डबल एपोस्ट्रोफी अगर अलग अलग दिख रहा है तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ये जस्ट सपोज करिए तीन वर्ड होते हैं, एक होता है बड़ी, एक होता है वन और एक होता है थिंग। ठीक है, बड़ी से निकलने वाले प्रोनाउन होते हैं आपके, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन भी कह सकते हैं, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी और एनीबडी। क्लियर है? इसी तरह से मैं वन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहां पर लिख देता हूं इन्हीं से रिलेट करते हुए, जैसे नो वन, एनी वन, एवरी वन और सम वन। ठीक है, इसी तरह से थिंग से रिलेटेड नथिंग, समथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। क्लियर है? चलिए देखते हैं अब इसमें हम, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि बड़ी और वन इन दोनों से रिलेटेड जितने भी ये वर्ड आपके सामने आए हैं तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो हमेशा सही माना जाता है। ठीक है, जबकि थिंग से रिलेटेड किसी भी वर्ड के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है तो सेंटेंस हो जाता है गलत। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं एनी वन्स प्रॉब्लम और यही मैंने आपको कहा एनी थिंग्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि वन से रिलेटेड अगर वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस है तो सही माना जाएगा, थिंग से रिलेटेड वर्ड के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस है तो वो क्या हो गया, गलत हो चुका है। समझ आ गई बात आपको अच्छे से? वेरी गुड। लेकिन अगर इन तीनों ही वर्ड्स, मतलब बड़ी वन, थिंग से रिलेटेड ये जितने भी वर्ड है, इनके साथ आप एल्स का यूज देख लो, किसका यूज, एल्स, तो हमेशा ध्यान रखना है इन सब में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगकर अपोस्ट्रोफी एस कहाँ यूज लिया जाता है, एल्स के साथ। समझ आ रही बात आपको अच्छे से? जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं, तो मैं अगर यहां कहता हूं समवंज, एल्स कहा मैंने, ठीक है, और यहां मैंने कहा आपको एनीथिंग एल्सेज, तो देखिए
थिंग के साथ अगर एल्स आ रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स में लगेगा, अगर वन के साथ एल्स है और फिर भी वन में एपोस्ट्रोफी एस है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों आने पर एल्स अगर आ जाता है तो एल्स के साथ ही हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, उससे पहले कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट हो गया समवन एल्सेस। तो बताइए कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कर लीजिए इसे आप नोट डाउन। चलिए अब आगे देखते हैं। केस की लास्ट कंडीशन देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको कहा बॉयज स्कूल, यही मैंने आपको कहा बॉयज स्कूल। मैं आपको कहता हूं गर्ल्स हॉस्टल, और यही मैं आपको कहता हूं गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा बॉयज रूम, और यही मैं आपको कहता हूं बॉयज रूम, क्लियर। चलिए देखते हैं अब इसको, देखिए समझिएगा अच्छे से। क्या होता है कि कभी कभी अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगता है, कभी एस के बाद आप अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो। समझ आ रही है बात आपको अच्छे से, ठीक है। जब कभी भी अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगेगा तो वो कंडीशन हमेशा सिंगुलर होगी, और एस के बाद अगर अपोस्ट्रोफी लगेगा तो वो कंडीशन हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी, बहुवचन कंडीशन होगी वो, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं स्कूल एक लड़के के लिए होती है, ज्यादा लड़के के लिए होती है, ऑब्वियसली सी बात है स्कूल एक लड़के के लिए होगी, तो ये कंडीशन गलत होती है, जबकि ये क्या होगी आपके सही होगी, ठीक है, प्लूरल है। हॉस्टल हमेशा एक लड़की के लिए बनाया जाता है या ज्यादा के लिए बनाया जाता है, तो आपको अच्छे से पता है कि हॉस्टल हमेशा ज्यादा के लिए बनेगा, तो ये कंडीशन गलत होती है और ये सही होती है। रूम में एक ही लड़का रहता है या ज्यादा लड़के रहते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पता है कि जो रूम होता है उसमें एक भी रह सकता है तो रूम में ज्यादा भी रह सकते हैं, इसलिए दोनों ही कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। तो सीधी सी बात है कि अगर कभी भी सेंटेंस में आपको एस के बाद एपोस्ट्रोफी दिख रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो प्लूरल कंडीशन होगी, और एस से पहले अगर एपोस्ट्रोफी दिख रहा है तो वो कंडीशन आपके हमेशा सिंगुलर कंडीशन होगी। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, वेरी गुड। आगे देखते हैं अब हम, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा जीजस डेथ, ईसा मसीह की मृत्यु हो गई, और किसके खातिर हुई, अच्छाई के खातिर, क्योंकि आपको अच्छे से पता है। अब यहां पर मैं आपसे बात करूं ईसा मसीह की मृत्यु, ईसा मसीह एक थे या ज्यादा थे, ऑब्वियसली सी बात है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग कौन सा राइट होना चाहिए, दिस, लेकिन फिर भी ये गलत है और यहां पर ये सही होता है। तो इसके पीछे की जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कभी भी सेंटेंस में हिसिंग साउंड दिख जाए, देखिए हिसिंग साउंड का मतलब होता है कि अगर किसी वर्ड का जब आप प्रोनंसिएशन कर रहे हो और उसका उच्चारण करते समय अगर वर्ड के एंड में थोड़ा सा इस तरह से कोई वर्ड साउंड कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में चाहे मामला सिंगुलर हो या मामला प्लूरल हो, हमेशा एस के बाद ही अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, उससे पहले कभी भी अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। मैं कहता हूं गुडनेस इज सेक, अच्छाई के खातिर। अब एक बार आप गुडनेस बोलकर देखिए, गुडनेस, तो लास्ट में कैसा साउंड आया, हिसिंग साउंड, ठीक है। जीजस बोल के देखिए, जीजस, तो लास्ट में कैसा साउंड आया, हिसिंग। तो इसलिए इन दोनों के अंदर ये राइट होगा और अपोस्ट्रोफी एस वाली कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, क्लियर। अब इससे एक थोड़ा ऊपर और एग्जाम्पल देख लेते ताकि आपका ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा विज्ञान की समस्या, भाई विज्ञान जितना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है
उतना ही बहुत सी चीजों में ऑब्स्टेकल्स भी होती है इसकी। अब ये दो आपके सामने, साइंस एज प्रॉब्लम और साइंस एज प्रॉब्लम, ठीक है, विज्ञान की समस्या। अब मैं अगर एक बात बताइए, जब मैं इस वर्ड का सिंपल प्रोनंसिएशन करता हूं, एस सी आई ई एन सी, ये वर्ड है, एक बार आप इस वर्ड को बोलकर देखिए, बोलिए साइंस, क्या बोला आपने, साइंस। तो जब हम इसको साइंस बोल रहे हैं तो लास्ट में थोड़ा सा साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में विज्ञान की समस्या सिर्फ ये हो गई, ठीक है, और ये दोनों क्या माने गए जाएंगे, गलत। मतलब ये है कि कभी कभी आपको किसी वर्ड के एंड में सिर्फ एपोस्ट्रोफी दिखेगा, समझ आ रही है बात, उसके साथ आपको एस नहीं दिखेगा, ना पहले ना बाद में, तो इसका मतलब वो वर्ड गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल सही होगा। बस उसका आप प्रोनंसिएशन करके देख लीजिएगा कि अगर किसी वर्ड में बिना एस लगाए अगर हमें अपोस्ट्रोफी दिख रहा है तो उस वर्ड के प्रोनंसिएशन में लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है, तो एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती और वहां पर अपोस्ट्रोफी आपके बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से कैश जो है वो लिविंग नॉन लिविंग में काम करता है, कैश जो है वो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग काम करता है, कैश के कुछ मैंने आपको ग्रामेटिकल कंडीशंस भी बताई है कि कैसे ग्रामर के अंदर वो वर्क करता है। तो ये सारा आपका कैश का मैटर पूरा होता है, ओके। अब इसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी, आपको नाउन का मेरे चैनल पे ही आपको नाउन का सेकेंड पार्ट भी मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में हमने नंबर जेंडर और कैश किया है, सेकेंड पार्ट के अंदर हम स्पेशल नाउन्स देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्पेशल कंडीशंस होती है जब नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो, वर्ब उनके साथ क्या लगती है, तो वो देखेंगे हम, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वापस से वही बात, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और इसे जितना आप शेयर कर सके इसे पूरे इंडिया में या पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आप इसे फैलाइए, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट ही होगा ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा मैटर यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।